ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। बकरा ईद। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में सेना ठाकुर जानवरों को बेचने का काम किया करता था। उसके पास बहुत अच्छी नस्ल के जानवर थे और लोग बड़ी मंडी से ज्यादा सेना ठाकुर से कुर्बानी का जानवर लेना पसंद करते थे। उसी गांव में मीठा और चिट्टू नाम के दो आदमी भी रहते थे। जब भी कोई जानवर खरीदता तो वो दोनों उसकी बुराइयां करते। एक दिन एक ग्राहक सेना ठाकुर से कुर्बानी का जानवर लेने आया। ठाकुर साहब, ये गाय का बछड़ा कितने का दे रहे हो? नस्ल तो अच्छी लग रही है। हाँ भाई, नस्ल बहुत अच्छी है। ये बछड़ा साहिवाली नस्ल का है। ठाकुर साहब, असल में हमारा खानदान बहुत बड़ा है और हम सब बहुत अमीर हैं। ये बछड़ा मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि इसे ले जाने से खानदान में मेरी वाह वाह हो जाएगी। देखो भाई, जानवर कुर्बानी के लिए होता है, दिखावे के लिए नहीं। मैं तो ये जानवर कुर्बानी की नियत से बेचता हूँ। ठीक है ठीक है, इसकी कीमत कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए। अरे ठाकुर साहब, रेट मुनासिब करो, अभी सौदा कर लेते हैं। भाई रेट बिल्कुल मुनासिब ही मांग रहा हूँ। मैंने पहले ही ऐसा रेट मांगा है जिसमें बहस ना करनी पड़े। फिर वो ग्राहक ठाकुर को पैसे देता है और उससे बछड़ा खरीद लेता है। और जब वो बछड़ा लेकर जा रहा होता है तो मीठा और चिट्टू उसे कहते हैं, अरे भाई, ये बछड़ा तो काफी अच्छा लिए हो, कितने रुपए का लिया है ये बछड़ा? भाई 80,000 रुपए का लिया है। कैसा है ये जानवर? 80,000 रुपए का? इतना महंगा? हम तो ये जानवर 40,000 का भी ना लेते। ऐसा लग रहा है जैसे बछड़े को शुगर हुई पड़ी है। ओ हेलो, ये कुर्बानी का जानवर है और तुम इसकी बुराइयां कर रहे हो? मैं बुराई नहीं कर रहा, बल्कि हकीकत बता रहा हूँ। तुम तो लुट गए हो, बहुत महंगा जानवर लेके आए हो। अगर मैंने महंगा भी लिया है तो मैं खुशी हूँ, क्योंकि मैंने इसकी कुर्बानी कर दी है। मेरी कुर्बानी कबूल हो जाए, इन पैसों से मुझे और कोई गर्ज नहीं है। अरे मीठे उस्ताद, इस पागल ग्राहक ने तो हमें घास ही नहीं डाली और हमने तो इसके बैल की भी काफी बुराइयां की है। ये सुनकर मीठा बोला, अरे चिट्टू, अब हमें हर कोई बेवकूफ तो नहीं मिलेगा, कोई ना कोई तो सयाना भी मिल जाता है। पर उस्ताद, आप तो कहते हो कि सयाना ज्यादा जल्दी फंस जाता है। अरे चिट्टू, हर बात को पकड़ के मत बैठ जाया कर, अपने अगले शिकार पर नजर रख और दुआ करके इस तरह का सयाना ना मिले। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक आदमी रहता था जो काफी गरीब था। उसका एक दोस्त था जो उसका हमसाया भी था और वो काफी अमीर था। यार बिट्टू, तुमने इस बार क्या कुर्बानी कर दी है? यार मेरे पास पैसे काफी कम है, पर जो अल्लाह तौफीक देगा वही कुर्बानी कर लूंगा। अरे यार, अब तो दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, हमें अब कोई ना कोई जानवर खरीद लेना चाहिए। पर यार मैं तो एक दो दिन तक जानवर लूंगा, कल मेरे पास पैसे आ जाएंगे। अच्छा बिट्टू, मैं तो आज कोई जानवर लेने जाता हूँ, तुम फिर कल ले आदा। ठीक है भाई, आप आज जानवर ले आओ। ये कहकर वो आदमी उसी मंडी में सेना ठाकुर के पास कुर्बानी का जानवर लेने पहुंचा। फिर उस आदमी को एक जानवर बहुत पसंद आया तो उसने ठाकुर से उसकी कीमत पूछी। तो ठाकुर साहब बोले, बेटा इसकी कीमत 120,000 रुपए है। वह जानवर तो 120,000 वाला लग रहा है, मुझे जानवर पसंद है, सौदा पक्का। फिर उसने वो जानवर ठाकुर से खरीद लिया और वहाँ से जाने लगा। तो चिट्टू बोला, वाह उस्ताद, आपका बैल बिक गया, आपने ये बैल कितने रुपए में खरीदा है? मेरे उस्ताद ने तो ये बैल जहाँ से आपने खरीदा है 50,000 का बेचा था।
50,000 रुपए का था, मगर उसने तो मुझे 1,20,000 रुपए का दिया है। अरे भाई तुम तो लुट गए हो। लेकिन जिस तरह का इसका वजन और गोश्त है, मुझे तो लगता है कि उसने तुम्हें ठग लिया है, जो तुमने उसे 50,000 रुपए का बेच दिया है। मैं तो उसे 1,20,000 रुपए में खरीद कर बहुत खुश हूँ। ये कहकर वो आदमी अपना बैल लेकर वहाँ से चला गया और अपने घर पहुँचा। तो बिट्टू की बीवी खिड़की से खड़ी उसका बैल देख रही थी, तो वो बिट्टू से कहने लगी, अरे जी सुनते हो, साथ वालों का बैल देखा है, कितना खूबसूरत है, आप भी ऐसा ही बैल खरीद कर लाओ। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? वो इतने अमीर लोग हैं, हम ठहरे गरीब लोग, जो अल्लाह कुर्बानी की तौफीक देगा मैं खरीद लाऊंगा। अच्छा अच्छा जाओ कुछ तो खरीद कर लाओ, ऐसे ही मेरे मोहल्ले में नाक ना कटवा देना। फिर बिट्टू थोड़े से पैसे लेकर उसी मंडी पहुंचा और ठाकुर से गाय की कीमत पूछी। बेटा 90,000 का बैल है। ओहो अंकल ये तो बहुत महंगा है, मेरे पास तो सिर्फ 25,000 रुपए है। अरे बेटा 25 में भला कौन सा बैल मिलता है, हाँ तुम्हें इतने पैसों में एक बकरा मिल जाएगा। बिट्टू ने ठाकुर से 25,000 में बकरा खरीदा और वहाँ से जाने लगा। तो मीठा बोला, अरे भाई ये लोमड़ी कितने की ली है? भाई आप पागल तो नहीं हो गए? ये लोमड़ी नहीं है, बकरा है। मुझे लगता है आपका दिमाग खिसक गया है, ये लोमड़ी है। क्यों चिट्टू, ये लोमड़ी है या बकरा? अरे उस्ताद ये तो 100% लोमड़ी है, मुझे तो लगता है किसी ने इसे पागल बना दिया है। बिट्टू ये सुनकर सोचने लगा, यार कहीं उसने मुझे बकरे की जगह लोमड़ी तो नहीं दे दी, ये दोनों झूठ तो नहीं बोल सकते, लगता है मुझे ही धोखा हो रहा है। फिर बिट्टू मीठे से कहने लगा, भाई मुझे इस गांव के व्यापारी ने धोखा दिया है, मैं अभी जाता हूँ उसके पास वापस करवा दे। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए? ये बहुत जालिम इंसान है, और अगर तुम इसके पास गए तो वो तुम्हें बहुत मारेगा, और ये लोमड़ी भी तुमसे ले लेगा। हम तुम्हारा नुकसान नहीं होने देना चाहते, तुम ये लोमड़ी 5,000 में हमें दे दो, तुम्हारा नुकसान कम हो जाएगा। मीठे की बात सुनकर बिट्टू सोचने लगा, यार अगर ये लोमड़ी घर ले गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, और अगर मैं ये लोमड़ी 5,000 में इन्हें बेच देता हूँ तो मेरा नुकसान कम हो जाएगा, और अगर मैं उस व्यापारी के पास वापस करवाने के लिए गया तो वो व्यापारी मुझे मारेगा। मैं इन्हें ये लोमड़ी 5,000 में बेच देता हूँ। फिर बिट्टू ने वो बकरा 5,000 में मीठे को बेच दिया। मीठा वो बकरा लेकर ठाकुर के पास गया तो बिट्टू कहने लगा, यार मैं देखता हूँ कि ये लोमड़ी के साथ क्या करते हैं। फिर बिट्टू दरख्त के पीछे से खड़ा होकर इन्हें देखने लगा, तो वो हैरान रह गया कि मीठे ने वही बकरा ठाकुर को 20,000 में बेच दिया। तो बिट्टू कहने लगा, अच्छा तो इन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया है, मुझे इनसे बदला लेना चाहिए। फिर बिट्टू मीठे के पास गया और कहने लगा, भाई हमने इससे एक बैल भी खरीदा था 1,20,000 रुपए का, आप देखो कहीं वो कोई और चीज तो नहीं है। फिर बिट्टू उन दोनों को अपने हमसाए के बैल के पास ले आया। भाई ये हमारा बैल है, ये भी हमने वहीं से ही खरीदा था। बैल? अरे भाई उसने तुम्हें लूट लिया है, ये बैल नहीं बल्कि सुडेला है। सुडेला? इसका मतलब हम लूट गए, मैं अभी जाता हूँ उस व्यापारी के पास। रुको तुम अपना नुकसान क्यों करते हो, मुझसे इस सुडीले के 30,000 रुपए ले लो, तुम्हारा नुकसान कम हो जाएगा। हाँ भाई आप तो बहुत अच्छे हो, जो मुझे नुकसान से बचा रहे हो। फिर मीठे ने बिट्टू को 30,000 रुपए दिए और बैल के पास आया, तो बैल का मालिक आ गया। अभी तुम फिर आ गई हो यहाँ पर? भाई हमने ये सोडीला खरीद लिया है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये तो मेरा बैल है। इसका मतलब तुमने हमें धोखा दिया है? नहीं बल्कि मैंने तो अपने बकरे के पैसे वापस लिए हैं, जिसे तुमने लोमड़ी बढ़ाकर उसे 20,000 रुपए का बेच दिया था। फिर उन्होंने मीठे और चिट्टू को दरख्त से बांध कर उनकी खूब दुर्गत बनाई कि उन्हें नानी याद आ गई। मेरी इस वीडियो को
लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।